जहन दोस्तों, अब एनसीओ और जेसीओ को डरने की जरूरत नहीं है। आज आपको बताएंगे आपके अधिकार क्षेत्र क्या है, आपकी पावर क्या है, आप क्या-क्या कर सकते हैं, और इसका खुलासा इस लेटर में हुआ है। और इस लेटर को आप जेब में रखिए, ये आप जेसीओ हैं, आप जेसीओ बनने वाले सीनियर एनसीओ हैं। तो हमेशा एक जेसीओ एनसीओ को डरता रहता है, उसको ये नहीं पता कि मेरा अधिकार क्षेत्र क्या है, मेरी अकाउंटेबिलिटी क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जब तक वो जानता नहीं है तो उसके अंदर एक वो डरता है। अब डरना नहीं है, डरना नहीं का मतलब ये नहीं कि आपने गलत काम करना है, कानून को अपने हाथ में लेना है, इस बात के लिए नहीं डरना है कि आपका अधिकार क्षेत्र क्या है और आपके पास इसकी जानकारी है बिल्कुल आर्मी ऑर्डर के साथ। तो आप सामने वाले को कह सकते हैं, श्रीमान प्लीज इस आर्मी ऑर्डर, इस रेगुलेशन, इस सेक्शन के जरिए ये मुझे पावर डेलीगेट की गई है और मैं भी एक अधिकारी हूं। और आप डट के जब भी कह सकते हो, जब आपको पता होगा, जब आपको पता ही नहीं, आप दूसरी मेहरबानियों पे बन के घूम रहे, इधर से उधर को ड्राइवर, उधर से उधर को ड्राइवर, दिन में जहां मिल गए 20-50 सलूट मारे जा रहे हो, शाम को दोपहर पी के खा के सो गए, पता पढ़ना कुछ है नहीं, समझना कुछ है नहीं। और बहुत सारे हेड क्लर्क साहब हैं, आर्मी ऑर्डर लेके बैठे रहेंगे, जेएसयू मेस में आएंगे, बहुत सारी चीजें के ज्ञान बांटेंगे, प्रमोशन का ये नहीं बांटेंगे खुद को उनको कि नहीं भाई ये आर्मी ऑर्डर है, और ये अवेयरनेस है, ये आपको पावर दी गई है। और पावर किस लिए दी गई है, जब हम पहले बताते हैं कौन कौन सी दी गई, वो बाद में बताएंगे, पहले वो भी सुन रहे होंगे जो हेड साहब भी होंगे, बहुत सूबेदार मेजर भी होंगे, जेएसयू मेस में बैठे हो। सीधे इसलिए दी गई है कि फौज लड़ाई लड़ने के लिए है, और वहां पर जब आपके पास एक अधिकारी है, एक जेसीओ है, 10-20 जवान एक सेक्शन लेवल पर, कंपनी लेवल पर, बैटरी लेवल पर कहीं लड़ रहे हैं, तो यदि कैजुअल्टी हो जाती है किसी की, यानी अफसर की हो जाती है, तो उसका अधिकार संभालने के लिए जेसीओ के पास पावर होनी चाहिए, तभी तो कमांड एंड कंट्रोल कर पाएगा। बिना पावर के कमांड एंड कंट्रोल कहां से होगी। यदि जेसीओ भी शहीद हो जाता है तो सीनियर एनसीओ के पास वो पावर होनी चाहिए। ये थोड़ा ही ना कि एक कोई कैजुअल्टी हो गई और पूरी फौज भाग लेगी पीछे, वो फिर कैसे होगा। इस पर कुछ लोग ये चीजें इसलिए नहीं दिखाते कि लगेगा बड़ा आर्गुमेंट होगा, सेना के अंदर देखा होगा ना, कोई पढ़ा लिखा आदमी होगा, उससे कोई ज्यादा बहस नहीं करेगा, उसको बड़ा बाद में सॉर्ट आउट करेंगे। ज्ञान ही उजाला है, अज्ञानता अंधेरा है और डर पैदा करती है। आइए हम इसको समझते हैं दोस्तों। बोर्ड के ऊपर पावर ऑफ रैंक्स, एनसीओ नॉन कमीशनड अफसर बोला गया ना, किसी इंस्टीट्यूट में नहीं बोला जाता, नॉन कमीशनड अफसर, लेकिन लगाया उसके आगे अफसर, क्यों भाई, जब कमीशन नहीं फिर भी अफसर है। जैसे मैंने कहा, इसका ये आप पढ़ के देख लेना, बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग आप सुन रहे होंगे, जूनियर कमीशन अफसर, इसके आगे अफसर लगाए, बट जूनियर कमीशन और एक कमीशन अफसर तो होता ही है, यानी तीनों कैटेगरी में एनसीओ, जेसीओ और कमीशन बोला है। अफसर लगाया, इसका मतलब आपकी पावर आपके अंदर दी गई है कुछ। अब उसको समझिए, अब समझिए जरा, एक लेटर है ये निकला है कि रिप्लाइज ऑफ ऑब्जर्वेशन रेस्पेक्ट ऑफ जेसीओ, किसी एक किसी ने डाला है कि भाई मुझे ये बता दीजिए कि जेसीओ का अधिकार क्या है, बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप का इसमें डाला है, रेफरेंस योर लेटर नंबर सो एंड सो, जनरल कॉरेस्पॉन्डेंस डेट 21 फरवरी 2023, क्लैरिफिकेशन विद रिगार्ड टू योर ऑब्जर्वेशन टू फॉरवर्ड डेलीगेशन टू पावर ऑफ जेसी सो एंड सो सो एंड सो, सो दैट ही कॉम्पिटेंट टू ऑथराइज टू स्टेपिंग अप केसेस इज एड अंडर। बिल्कुल, इसको बोलते हैं पढ़े लिखे, इस तरह काम करना है, ब्लैक एंड व्हाइट में काम करना है, और इन सब चीजों को बड़ी दम होती है। अब क्या क्या लिखा है, आपकी क्या क्या पावर है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की पावर दिया है आपको, आपको क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसके अंदर आपका जेसीओ है तो वो एज ए अफसर भी काम करेगा, उसकी पावर दिया गया है आपको, फाइनेंशियल मैटर को हैंडल करने की पावर दिया गया है आपको, डॉक्यूमेंटेशन की पावर दिया गया है। अब इसको बारी बारी से समझते हैं। आर्मी एक्ट 1950 आर्मी के लिए, एयरफोर्स का अलग है, सब सेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 3 जेसीओ कमीशन अफसर आज गजेटेड अफसर। पहले बात तो ये शक दूर कर देता हूं कि जेसीओ एक गजेटेड अफसर है, गजेटेड अफसर है, जो इसमें सीधा सीधा है, अंडर द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द आर्मी एक्ट 1950 जूनियर कमीशन अफसर आर कमीशन एंड गजेटेड अफसर एंड अकॉर्डिंगली अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द आर्मी एक्ट 1950 एंड रेगुलेशन 151 रेगुलेशन फॉर द आर्मी 187 वॉल्यूम 1, यानी लिखा है कमीशन है जेसीओ एंड वारंट ऑफिसर आर ग्रांटेड द प्रेसिडेंट एज पर रूल 177 ऑफ द आर्मी रूल 1954 जेसीओ कैन प्रिजाइडिंग ओवर ए कोर्ट वन बारी।
जैसे कि राष्ट्रपति गजट 177 के अनुसार एक जेसीओ एक अधिकारी के बराबर पावर रखता है और वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी कर सकता है, उसके अंदर इतनी पावर दी है क्योंकि वो उनका स्टेट अफसर है, ये पहले बता चुके हैं, कोई शक। दूसरी बात करते हैं, अंडर द प्रोविजन सब सेक्शन 3B सेक्शन 132 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 जूनियर कमीशन अफसर और अफसर, उस पर लिखा है कि आपने बोला कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में लिखा है तो जेसीओ एज हैंडल है, अफसर की तरह वो उसके पास पावर है इन केसों के अंदर। अंडर द प्रोविजन ऑफ रेगुलेशन 12 फाइनेंशियल रेगुलेशन पार्ट 1 बोलो जेसीओ वन ऑफ द अथॉरिटी अमाउंट द कमीशन अफसर एंड सिविल मजिस्ट्रेट ऑफिसर ऑफ द डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एंड डिपार्टमेंट डिफेंस ऑफ सप्लाई एंड गजिस्ट्रेट ऑफिसर एंड एसओआई न्यू असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर वेयर ऑथराइज्ड टू मिलिट्री रिसीविंग ऑर्डर साइन टू साइन मिलिट्री रिसीविंग ऑर्डर। बिल्कुल इतनी पावर उसको दी गई कि आप मिलिट्री ऑर्डर के तहत साइन कर सकते हो। फर्दर अंडर प्रोविजन पैरा 149 ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोसीजर जेसीओ एंड वार 192 जेसीओ हैव बीन इन पावर अटेस्टेड एंड ऑथेंटिकेटेड ऑल टाइप ऑफ एंट्रीज। कोई भी एंट्री किसी भी की गई है तो उस पर वो ऑथेंटिकेटेड है, वो आदेश दे सकता है, नीचे साइन कर सकता है, उसके आदेश पर ये काम किया गया वो वैलिड होगा, वो वैलिड होगा। अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 ऑफ टोटल एक्ट जेसीओ आर ऑफिसर, उसमें अफसर का उन्होंने दिया गया है। In view of the all above, they clarified that JSO being commissioned and gazetted officer themselves are competent authority are not required delegation power from other superior authority to attest or sign of the document। यानी उसको एक competent authority माना गया है, उसके पास power है, वो किसी भी document को sign कर सकता है, ये सारा लिखा है। और लिखे राजनाथ सिंह मेजर ऐसा और YC रिकॉर्ड ने, ये अपनी मर्जी से नहीं लिखा, ये पूरे आर्मी ऑर्डर है जिनको कहीं ना कहीं आईएंट में लीव सर्टिफिकेट साइन कर दिया, क्यों कर दिया, उसने जीसी ने क्यों साइन किया नीचे, अब ये बिल्कुल भी नहीं है। बट आपके पास किसी भी अपॉइंटमेंट की स्टैंप लगी है, आप उस पर किसी का आप अपॉइंटमेंट है नहीं, आप रेजिमेंटल ऑर्डर में उसके ऊपर साइन मत करिए, या AOD कर सकते हैं या दूर जाकर अपना नीचे नाम नंबर लिख करके और ऊपर साइन कर सकते हो कभी भी, लेकिन किसी की स्टैंप है जैसे YC की स्टैंप है आप उसके ऊपर साइन मत करिए, AOD की स्टैंप है उसके ऊपर साइन मत करिए, क्यों, इसका रेजिमेंटल ऑर्डर पब्लिश होता है। बट आप कहीं भी साइन कर सकते हो, बोल सकते हो हाँ मैंने साइन किया, अड़ सकते हो मैंने साइन किया है, नो डाउट। अभी इसी तरह ये जो सारे आदेश है मद्देनजर रखा जाता है ऑपरेशनल में, जब आप ट्रुप्स सभी होंगे और बीच में ऐसा हो जाता है तो कौन संभालेगा, किसी एक को पावर देने से नहीं, पावर को डेलीगेट करने के लिए। तो ये लेटर आपको जेब में रखना होगा, समझना होगा, जब कहीं भी बैठते हो, शाम को बैठते हो या कभी इन सब चीजों की चर्चा करनी है और इनको हाईलाइट करके रखना है, समझना है अपने हक के लिए, तभी आप अपना भला कर सकते हो और आपके नीचे जो ट्रुप से आप उनका भी भला कर सकते हो, नहीं तो अंधेरे में सलूट मारते रहो, चलते रहो, राम राम साहब बोलते रहो और कुछ नहीं होने वाला। धन्यवाद।